जी अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश कुमार पटेल ग्राम चमाव का प्रधान हूँ और ब्लॉक का हुआ जिला वाराणसी। कौन सा ऐसा विकास का मुद्दा था जो आपने गांव में प्रस्तुत किया, लोगों ने भारी बहुमत से आपको जिताया? सर्वप्रथम हमारे गांव में हमारे ग्राम की जो जर्जर सड़कें हैं और हमारे हमारे गांव का जो पंचायत भवन है उसका जीर्णोद्धार करवाना है और हमारे गांव में जल निकासी की सबसे बड़ी जटिल समस्या है और हमारे गांव में आपका खेल का मैदान नहीं है, उसको सर्वप्रथम मैं बनवाना चाहता हूँ। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आपके गांव में आंगनबाड़ी है? नहीं। हाँ है? नहीं नहीं, अलग से आंगनबाड़ी नहीं है, पंचायत भवन में ही चलता है। आंगनबाड़ी नहीं है? नंदगर नहीं, नहीं। और कन्या हाई स्कूल, राजकीय कन्या हाई स्कूल? नहीं नहीं, हमारे गांव में नहीं। और स्वच्छ जल पीने के लिए आज का जलकल विभाग से पानी की टंकी लगाई जा रही है? नहीं नहीं, ये सब व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था नहीं है? और सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या होती है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल प्राथमिक स्वास्थ्य है यहाँ पर? नहीं, अलग से नहीं है, हमारा कंबाइन चलता है, अलग से नहीं, हमारे चमाव गाँव में लगते हैं, अलग से नहीं है। तो इसके लिए जो है कहाँ पर किस गांव में जाते हैं स्वास्थ्य के लिए आप लोग? हम लोग पश्चिमपुर में जाते हैं। पश्चिमपुर में जाते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें आपने बताया गांव सभा में, क्या गांव सभा की ज़मीनें हैं जीएस बंजर और नवीन प्रति? देखिए मैं नवनिर्वाचित प्रधान हुआ हूँ, अभी अपने तत्कालीन लेखपाल से संपर्क करके कोशिश करूँगा कि जितने भी ग्राम समाज की ज़मीनें हैं उसको उनसे पता करवा के उस पर हर संभव प्रयास करूँगा कि ये सब व्यवस्थाएँ लाने का प्रयास करूँगा। चल, आपको गाँव का काम करना है, गाँव में लोग देखना चाहेंगे 5 साल बाद आपने गाँव को कैसा विकसित किया, कैसी आपकी गांव होगी उसमें? देखिए अपने 5 साल में मैं अपना भरपूर कोशिश रहेगा कि मेरा गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाए और ये एक ऐसा केंद्र बने कि हाँ यहाँ पे लोग आके पर्यटन का क्षेत्र बने, कि आके यहाँ पे देखे कि हमारा गांव कैसा स्वच्छ और सुंदर गांव है।